बड़ी प्यारी धुन है बाबूलाल भैया, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, गा रहे हैं कि एक तो बाबू शीशे जैसी कर रहे हैं आप, उसके लिए धन्यवाद है आपको। और क्या, एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी तेरी जवानी, उस पे उम्र मस्तानी, तेरे बदन पर ऐसे फिसले जैसे फिसलता पानी, सुन ले ओ दीवानी 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 दीवानी, तो ऐसो को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के, ऐसो को ऐसो को, अभी हम नहीं गा रहे हैं, बंबई वाले गा रहे हैं, बंबई वाले, के ऐसो को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के, छुरियां चल जाए छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल पे, ये गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, खंडगी सुनिए, आपको आनंद आ जाएगा। सुनिए सुनिए, मैंने जब कार्यक्रम शुरू किया तो मैंने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से कीर्तन को शुरू किया। एक चर्चा और कर रही हूँ जो हमारे भारत के गौरव को बढ़ाता है, और ये चर्चा भी आप अपने आप समझ जाएंगे जब पंक्ति खुलेगी। तो मेरा निवेदन है, हालांकि इतनी सर्दी में ताली बजना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद जरूर दे दीजिएगा। बिल्कुल, और दे रहे हैं आप दोनों तरफ, उसके लिए भी धन्यवाद है। तो बाबूलाल भैया खंडगी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए, और हमारी जो माताएं बहनें उस तरफ बैठी हैं, आप लोग भी सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। एक सती हुई, इस सती का नाम था सती शांडली। सती शांडली ने, अब चूंकि सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ ही है, वो चल नहीं सकता। एक दिन दरवाजे पर उसका पति बैठा है, और सामने से एक नाचने वाली वेश्या निकल कर गई, और उसके सती के पति का मन उस वेश्या पर आ गया। अब जब वो उदास बैठा है, तो सती ने पूछा, सती शांडली ने, के स्वामी आप क्या चाहते हैं? तो पति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, कहा कि वो जो अभी नारी यहां से गई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सती शांडली का धैर्य और त्याग देखिए, उस सती ने कहा, स्वामी अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप चल कर नहीं जा सकते, मैं आपको अपने कांधे पर बिठा कर ले चल रही हूँ। और उसने अपने पति को कांधे पर लादा और लेकर चल पड़ी। रास्ते में एक ऋषि है, उनका नाम है मांडव ऋषि। वो एक शूली पर, एक नोक पर बैठे हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अचानक जब उसके पति का पैर ऋषि के शरीर में लग जाता है, तो ऋषि एक श्राप दे देते हैं कि जाओ जाओ, जाओ, जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, सूर्य के निकलते उसके प्राण चले जाएंगे। अब सती शांडली ने सुना कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो उसने थोड़ा सा अभिमंत्रित करके जल फेंका और कहा, जाओ, अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो मैं आज के बाद सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। और नहीं निकलने दिया उसने, समझो। तो बस गीत बाबूलाल भैया, खंड गीत सूर्य से शुरू हो रहा है और चंद्रमा तक पहुंच रहा है, देखिए कैसे कैसे कैसे। सती शांडली सूर्य को रोके, yeah!
कोई जो नहीं, कोई जो नहीं है बेटे। सूर्य को हनुमान जी ने के कपि ने मुख में दबाया, काक में फिर है दबाया, तो सूर्य किरण लख छठ मैया का। हमारी माताएं बहने सूर्य के किरणों को देखकर छठ का व्रत तोड़ती हैं। तो सूर्य किरण लख छठ मैया का जाता पर्व मनाया। जैसे छठ का पर्व सूर्य की किरणों को देखकर नारियां खोलती हैं, वैसे हमारे भारत की सनातन धर्म की नारियां करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखकर तोड़ती हैं। तो सूर्य किरण लख छठ मैया का जाता पर्व मनाया, तो कहीं सूर्य वंश कहलाया पाया। एक पंक्ति और सुनिए, सुनिए। कहीं सूर्य वंश है जो राम जी का वंश है, और बांग्लादेश ने अपनी ध्वजा में सूर्य का चित्र लगाया, हमने सूर्य पे धाक जमाया। झंडे में अपने है नेपाल सजाया, बाली सूर्य पुत्र कहलाया पाया। हा पाया, हा पाया। बांग्लादेश के झंडे में बाबूलाल भैया केवल सूर्य का चित्र है, और जब आप नेपाल का झंडा देखेंगे तो उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्र है। लेकिन हमें और क्या मिला? क्या के झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का। अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो यहाँ से वहां तक तालियों का अपने आशीर्वाद दे दीजिएगा, मेरा आना सफल हो जाएगा। बिल्कुल। झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, पर पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान। धन्यवाद है राजेश भैया आपके इस प्यार पुरस्कार के लिए, और आपकी अपार तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, सभी को धन्यवाद है। वाह, पंक्ति मेरी कह रही है क्या के झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, किस काम सार्थक है हुआ देखो प्रज्ञान का। जब हमारे भारत के वासियों ने वो झंडा देखा तो चांद पर देश के सिपाहियों ने लहरा दिया, तो पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान। टुकड़ा आया है, कौन सा? ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, Thank you.
ये गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के चुड़िया चल जाए हो चुड़िया चल जाए मेरी मतवाली जा छुरिया चल जाए मेरी मतवाली छुरिया चल जाए मेरे मतवाली चाल पे छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। बड़ा अच्छा कटपीस सुना है। आदरणीय श्री श्रीपाल यादव जी जो हमारे रमेश भैया के पिताजी हैं, पूरे सुखई गहिरी श्रीपाल यादव जी भाई साहब की ओर से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भाई साहब को नमन है, आशीर्वाद चाहता हूं। भैया यादव जी ध्यान दें। तमाम बातें आपने लगाई हैं, सूर्य से शुरू किया चंद्रमा तक आप पहुंच गई। अरे झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान। कहां जा रहे हैं महाराज जी? जब हम गा रहे हैं तो आप चलने लगे हो। अरे झंडे में, अरे झंडे में आधा चंदा सजा पाकिस्तान का, पूरे चंदा पर झंडा अपने हिंदुस्तान का। चंद्रयान सभी को पता है और क्या, लेकिन बात आई है सूर्य फिर चंद्रमा। बहन क्रांति माला जी प्रयास कर रहा हूं, सुनिए। यह सारा संसार जानता है क्या के सदा सदा से देखो भैया भैरव प्रसाद जी। सदा सदा से सूर्य से देखो ये जग है जगमगाया, ये जग है जगमगाया, लेकिन कभी ऐसा समय भी आया कैसा सूर्य को रोका विंध्याचल, ये हो वाह सूर्य को रोका विंध्याचल दिन कर ना पाया। भैया वाह बहुत बढ़िया। दिन कर ना पाया। और बहन क्रांति माला जी कहीं पे देखो शुभ है चंदा। कहीं पे देखो शुभ है चंदा कहीं अशुभ है पाया, कहीं अशुभ है पाया, कहीं सिंधु से पाया कहीं पर भोले भाल सजाया। ये जे बहुत बढ़िया। एक बात और आपने कही है कि सूर्य किरण लग छठ मैया का जाता पर्व मनाया। प्रयास कर रहा हूं और हमारे सभी भैया लोग इस दौर से गुजरते होंगे, हम तो गुजरते हैं और क्या। अरे कहीं गोल दिखता है चंदा, गोल यानी पूरा, वाह। और कहीं गोल है पाया,
गायब। कहीं गोल है पाया ओ चंदा लख के हर एक सुहागिन करवा चौथ मनाया। हमारे भाई साहब तालियां बजा रहे हैं, यानी वो गुजरते हैं इस दौर से। और क्या, एक दिन ऐसा आता है कि सभी हमारे भैया लोग भगवान बन जाते हैं, जय हो, पूछते हैं अरे चंदा लख के हर एक सुहागिन करवा चौथ मनाया, करवा चौथ मनाया मनाया। आपने बताया चंद्रयान सफल हुआ बहन क्रांति माला जी, अरे शुरू हुआ अब चंदा पर देखो प्रज्ञान है, शुरू हुआ अब चंदा पर देखो प्रज्ञान है, सबको देख लिया, सबको देख लिया। और क्या, पाक श्रीलंका और वो तुर्की ईरान है, पाक श्रीलंका और ये तुर्की ईरान है, पर दुनिया में सबसे बढ़कर ये हिंदुस्तान है, दुनिया में सबसे बढ़कर ये हिंदुस्तान है, दुनिया में सबसे बढ़कर ये हिंदुस्तान है, पर दुनिया में सबसे बढ़कर ये।